जय श्री राम दोस्तों, ये जो गाय आप देख रहे हो ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये कामधेनु गाय है और इसी गाय के दूध से होगा प्रभु श्री राम लला की मूर्ति का अभिषेक। आखिर इस काम के लिए इसी गाय को क्यों चुना गया है, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। इस गाय ने आज तक किसी भी बछड़े को जन्म नहीं दिया है, फिर भी ये लगातार 2 साल से दूध दे रही है। इस गाय के मालिक अर्जुन पांडे एक दिन इस गाय को चारा डालने गए, तब उन्होंने देखा कि इस गाय के स्तन से दूध अपने आप टपक रहा था। उस समय ये गाय मात्र 2 साल की थी और जैसे जैसे इस गाय की सिंह बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे ये शिवलिंग का आकार लेते जा रहे थे। तभी अर्जुन पांडे समझ गए कि ये कोई साधारण गाय नहीं है, फिर उन्होंने इस गाय को भोलेनाथ को समर्पित कर दी। तब से ये गाय सिवान के महेंद्रनाथ मंदिर के आश्रम में ही रहती है और प्रतिदिन जो दूध निकलता है उसे तुरंत पुजारी शिवलिंग को अर्पित कर देते हैं। लेकिन ये कामधेनु गाय अब अयोध्या जाएगी और इसी गाय के दूध से होगा प्रभु श्री राम लला की मूर्ति का अभिषेक और इसी गाय के दूध से बनेगी प्रभु के लिए मिठाइयाँ।